गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं शान सर। स्वागत करता हूं आप सभी का फेसबुक यूट्यूब के लाइव कंप्यूटर क्लासेस में। आप सभी जानते हैं कि शान सर, जो कि मैं खुद डेली बेसिस पे आप सभी के बीच कंप्यूटर क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जो कि यूट्यूब और मेरे फेसबुक पेज पे उपलब्ध है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करना ना भूलें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग एमएस वर्ड को खोलते हैं, ओपन करते हैं, क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो ये जो एडिटिंग एरिया है, वाइट कलर का जो होता है वो एडिटिंग एरिया होता है। क्या होता है? एडिटिंग एरिया। यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं। मान लीजिए आपको कि आपके पास किसी भी प्रकार का टेक्स्ट का नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिक कुछ टेक्स्ट लेके आए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इक्वल आर ए एंड रेंट और ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं और प्रेस इंटर करते हैं, तो आपकी टेक्स्ट क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है ना। देखिए, जब टेक्स्ट आप ले लेते हैं तो हमारा काम क्या होता है, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। क्या करना, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। तो ये जो फॉर्मेट जो आप करेंगे, कहां से करेंगे फॉर्मेट जो करेंगे आप कहां से करेंगे समझना है आपको, ठीक है, कि हम फॉर्मेट कहां से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, होम ऑप्शंस के अंदर ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ फॉन्ट लिखा हुआ है ना, इसे हम लोग बोलते हैं फॉन्ट, यानी कि फॉर्मेटिंग एरिया यही होती है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, फॉर्मेटिंग एरिया है, जिसको हम लोग फॉन्ट ग्रुप टैब्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फॉन्ट ग्रुप टैब्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अगर हमें किसी प्रकार का टेक्स्ट को एडिटिंग करना है तो इसके लिए सब प्रथम या एट फर्स्ट क्या करना पड़ता है हमको, कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सेलेक्ट कैसे करते हैं आप लोग, एक तो माउस को ड्रैग कर सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग एरिया में जाना है, जहां पे फॉर्मेट करना चाहते हैं। यहां पे देखिए, ये यहां पे क्या बोला, यहां चेंज द फॉन्ट फेस, यानी कि आप जो करना चाहते हैं वहां पे तो शो कर ही देता है। आपको कंप्यूटर खुद इंडिकेट भी करता है कि आप क्या करना चाहते हो, तो कर सकते हो, ये हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या करना है ये बता रहे हैं। तो अगर आपका फॉन्ट फेस यानी कि लिखने का जो तरीका है, उस तरीका को चेंज करना हो, तो हम लोग कहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। कहां से, यहां से। देखिए, यहां से हम न्यू रोमन्स में लेंगे तो न्यू रोमन्स का स्टाइल होगा, देख रहे हैं। यहां से हम लोग क्या करना है, जो लिखावट का जो तरीका होता है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे टेक्स्ट हैं, वो सारे टेक्स्ट को क्या कीजिए, आप चेंज कर लीजिए, है ना। आप चेंज कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग, आपका जो रिक्वायरमेंट है, जैसा टेक्स्ट चाहिए आपको वैसा टेक्स्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस भी टेक्स्ट में, वो वैसा टेक्स्ट भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, ठीक है ना। अब रही बात कि सर, मान लीजिए कि ये जो साइज जो है बहुत छोटा है, क्या है, साइज जो है बहुत छोटा है, हम उस साइज को हम बड़ा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज समझिएगा, तो साइज जो होती है, यहां से देखिए क्या बोला है, फॉन्ट साइज, यानी कि चेंज द फॉन्ट साइज, जो साइज है उसका फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं। मिनिमम सिस्टम में 8 होती है, कितनी होती है 8, और मैक्सिमम कितनी होती है सिस्टम में 72। सर जी, 72 के अलावे भी मुझे और भी बड़ा फॉन्ट चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको यहाँ पे लिखा हुआ ग्रो फॉन्ट, क्या लिखा हुआ, ग्रो फॉन्ट। आप ग्रो फॉन्ट में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप चाहते हैं सर बहुत बड़ा हो गया, इसे छोटा करना है, तो छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका है स्ट्रिंग फॉन्ट। स्ट्रिंग फॉन्ट का मतलब कि जो टेक्स्ट आप बड़ा है उस टेक्स्ट को आप छोटा भी कर सकते हैं, क्लिक करके कर दिए, क्लिक करके छोटा बड़ा भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सर, हम चाहते हैं क्या, मेरा जो टेक्स्ट पहले जैसा था मैं उसी तरह करना चाहता हूँ जो हमने शुरू पे लिखा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जिस तरह का टेक्स्ट आपने लिखा था, सेम टू सेम टेक्स्ट क्या हो गया, आ गया, सेम टू सेम टेक्स्ट क्या हो गया, आ गया, कोई दिक्कत अब तक में, कोई तरह का दिक्कत नहीं। आप चाह रहे हैं क्या सर, थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट जो है पतला दिख रहा है, थोड़ा मोटा करना है, बोल्ड करना है, तो यहाँ पर बोल्ड है, बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो आप अगर यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हटा दीजिएगा तो सेम
पतला हो जाएगा, है ना, जैसे पहले था। उसके बाद सर थोड़ा सा हम एलाइगेंट तिरछा करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो तिरछा कैसे करेंगे, आप यहाँ पे एलाइगेंट में क्लिक कीजिए, तिरछा हो जाएगा, हो रहा है। फिर एक बार क्लिक कीजिएगा, जो पहले जैसा था नॉर्मल पोजिशन वो पोजिशन में हो जाएगी, है राइट। अब यू फॉर अंडरलाइन, अगर यू पे क्लिक करते हैं तो क्या हो जा रहा है, अंडरलाइन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या हो गया, ये जो टेक्स्ट आप लिखे उस टेक्स्ट के अंडरलाइन यानी कि मार्क हो गया हो। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हट गया। अब कभी कभी हम लोग कोई टेक्स्ट को लिखते हैं और टेक्स्ट में हमको ये टेक्स्ट इतना गलती हो गया, ये जो गलती हुआ तो हम लोग डिलीट नहीं करते हैं, मालूम है ना। जो कोई भी ऑफिशियली में अगर गलती हो जाए तो उसको कैसे सुधारा जाएगा, यहाँ पे ये करके, यहाँ पे स्ट्रिंग पॉइंट, यानी कि मतलब वो क्या है, गलत हो गया। क्या हो गया, वो गलत हो गया, क्या हो गया। तो कभी क्या होता है ऑफिशियली वर्क में हम लोग क्या करते हैं कि ये टेक्स्ट जरूरी नहीं है, इस टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, यानी कि स्ट्रिंग पॉइंट, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मेरा ये गलती है इसको हम नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ पे कर दिए, आप क्या हो गया आपका, वो कट गया, है ना। आप चाहते हैं कि पहले जैसा था तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और एक बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हट जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए स्टिक देना, उसको हम लोग हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, डबल क्लिक करके वहीं पे जहां से जो चीज हम लेते हैं वहां से हम क्या करते हैं, उस चीज को रिमूव भी करते हैं। अब चलिए देख लीजिए कि आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अब हम लिख लिए CO2 और एक लिखते हैं एक्स स्क्वायर, क्या CO2 हुआ या एक्स स्क्वायर हुआ, क्या नहीं हुआ। इसकी अगर हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर ले तो आपको दिखेगा, अब दिख रहेगा, दिख रहे हैं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर हमको CO2 यानी कि 2 जो होता है नीचे होता है, नीचे का मतलब क्या होता है, सब स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट है उसको सब करना है, यानी कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ सब स्क्रिप्ट, यहाँ क्लिक कीजिएगा नीचे हो जाएगा। अब इसको एक्स स्क्वायर ऊपर करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, क्लियर एकदम। अब हो गया, समझ में आ गया, ये नहीं हो रहा था आप लोग से ना, यही नहीं हो रहा था। अगर हम 2 को नीचे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल कर देते तुम लोग को, क्लियर कर दिए हम, ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा कर दिए। आप देखो अगर हमको 2 को नीचे करना है तो सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ क्लिक कीजिएगा 2 नीचे हो गया। अगर स्क्वायर करना ऊपर करना है तो यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऊपर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप थोड़ा सा हमको देखिए कि हमने यहाँ पे लिख रहे हैं रोहित, रोहित कुमार, राइट। अच्छा ये जो रोहित कुमार जो हम लिखे, ये रोहित तुम बता सकते हो कौन सा टैक्स है, इस टैक्स को क्या कहा जाता है, ये टैक्स को कौन सा टैक्स, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, हम लोग क्लास पढ़ते आए हैं, रोमन पढ़ते हैं ना, एक तो कैपिटल होता है एक लोअर होता है ना, स्मॉल एंड कैपिटल यही पढ़ते आए ना। टैक्स यहाँ पे 5 होते हैं, कितने टैक्स होते हैं कंप्यूटर में, 5 टैक्स, इस टैक्स को बोलते हैं स्मॉल टैक्स। स्मॉल टैक्स का मतलब कि जितने भी कैरेक्टर है वो स्मॉल लेटर में, देखिए थोड़ा ध्यान से, राइट। मगर हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि रोहित का आर कैपिटल देते हैं, क्या करते हैं ROHIT रोहित, है ना, और उसके बाद कुमार लिखते हैं, कुमार देखो छोटा हो गया ना, रोहित। आर जो देते हैं इसको कौन सा टैक्स कहा जाता है, इसे कहते हैं सेंटेंस टैक्स। कौन सा टैक्स कहा जाता है, सेंटेंस टैक्स, जो बहुत कोई नहीं बताता है। अगर हम रोहित को कैपिटल में लिख देते हैं सबको, रोहित कुमार क्या कर दिया हम रोहित, आप बताओ रोहित कुमार वो नीचे क्यों आया, बता सकते हो, ये जो हम कुमार लिख रहे हैं तो तभी क्यों नीचे आ रहा था, मालूम है, यहाँ स्पेस देकर अगर करेंगे कुमार तो क्यों तभी नीचे आ रहा था, मालूम है, ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट किया हुआ था, ठीक है ना, क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ था मेरा, इसलिए आ रहा था ना। ये जो रोहित कुमार को हम लिख रहे हैं ये क्या है, उस टेक्स को क्या कहेंगे, इसे कैपिटल कहेंगे, क्या कहेंगे, कैपिटल। और देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ROHIT
कुमार, इसे कौन सा टैक्स कहेंगे? इसे कहेंगे टाइटल टैक्स। क्या कहेंगे? टाइटल टैक्स। क्या कहेंगे? टाइटल टैक्स। क्या कहेंगे? टाइटल टैक्स। और एक नाम है कैपिटलाइज इच वर्ड टैक्स। कैपिटलाइज इच वर्ड यानी कि इच का मतलब कुछ, वर्ड जो है कैपिटल होता है। अब सर ऐसा आप बता दें, मगर सिस्टम बताएगा कि सिस्टम के अंदर ये टैक्स होता है कि नहीं होता है, वो सिस्टम कैसे बताएगा? कुछ नहीं, आप नॉर्मल चीज लिख लीजिए। आप जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रोहित कुमार लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं ना आप? थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, देख रहे हैं आप लोग सभी देख रहे हैं ना, रोहित कुमार लिखे। अब इस टैक्स को हमको जानकारी करनी है तो आप यहाँ पे आइए। इसको बोला है चेंज केस नाम का एक ऑप्शन है। क्या है? एक चेंज नाम, चेंज केस नाम का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिएगा तो सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में जैसे क्लिक कीजिएगा, क्या है, रोहित का आर बड़ा बाकी का छोटा, क्लियर है? तो आप किसी भी टेक्स्ट को लिख कर भी अपने अनु अकॉर्डिंग ला सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद लोअर केस छोटा था पहले जैसा, अपर केस बड़ा, ये तो हमने किए ना, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना, क्योंकि हमको बता रहा सिस्टम कैपिटलाइज इच वर्ड, यानी कि रोहित कुमार का आर बड़ा, कुमार का के बड़ा। उसके बाद टूगल केस, टूगल केस का मतलब जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो एक कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं भी कोई कष्ट हुआ है यहाँ तक आपको पढ़ने में? नहीं। उसके बाद हम चाहते हैं सर जी कि इसको तो हम सेंटेंस केस में रख देते हैं। यस टेल मी, टूगल केस जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ टाइटल टैक्स। टाइटल टैक्स इसको कह सकते हैं हम, कैपिटलाइज इच वर्ड को, हाँ इसको टाइटल केस भी कह सकते हैं। लिखा हुआ होगा, देखिए आप लोग, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? टाइटल नहीं लिखा, टूगल लिखा हुआ है ना? हाँ, तो टूगल केस हम क्या बोलेंगे, कुछ ऐसे चीजें हैं जो टीचर लोग नहीं बताते, नाम क्या है होना चाहिए वो नाम बता देते हैं हम। लिखना नहीं लिखना अलग बात है, पढ़ाना अपना अपना टीचर का, पढ़ाने का अपना तरीका है ना। क्लियर है? देखिए सारा चीज लिखा हुआ होगा, फॉन्ट टैब ग्रुप्स के अंदर लिखा हुआ होगा, फॉन्ट ग्रुप टैब्स के अंदर। चलते हैं चेंज केस के बाद। हम चाहते हैं सर ये रोहित कुमार जो लिखा हुआ है इसको हम कलर करें। अब कलर यहाँ दो चीज हो जाता है, एक तो सामने का कलर हो जाता है, एक पीछे का भी कलर हो जाता है। तो आप क्या करना चाहते हैं, सामने का कलर करना चाहते हैं या पीछे का कलर? अगर पीछे का अगर हम कलर करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा हाईलाइट कलर, जिसको बता टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर यहाँ पे क्लिक करके हम पीछे का कलर दे देते हैं तो टेक्स्ट हाईलाइट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बाबू? टेक्स्ट हाईलाइट हो जा रहा है सर ये तो। हाँ बोलिए, टेल मी। क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है, बोलते हैं सर कि टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, कलर करना चाहते हैं। तो कलर जो करेंगे तो आप कैसे कलर करेंगे, फ्रंट करना चाहते हैं या पीछे का करना चाहते हैं, है ना? कंडीशन ये होता है ना कि आप आगे करना चाहते हैं या पीछे का करना। तो अगर हम पीछे का करना चाहते हैं, बैकग्राउंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से हाईलाइट कलर आता है जिसको बोलते हैं फॉन्ट टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ पे क्या बोलता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को क्लिक कीजिएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं सर, नहीं सर चेंजर थोड़ा नीचे कर दीजिए, नहीं कर दीजिए सर, इसका हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर देना चाहते हैं। देख लो यहाँ पे रोनित, जो फॉन्ट कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो आप फॉन्ट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको फॉन्ट हाईलाइट कलर, यहाँ पे फॉन्ट फेस कलर लिखा हुआ है। क्या लिखा होगा? फॉन्ट फेस कलर। यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो लिखा हुआ होगा फॉन्ट फेस कलर, है ना? देख रहे ना, चेंज द टेक्स्ट कलर। यहाँ से आप क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट दे सकते कलर, बट जब तक सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब तक आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, हो गया। अगर आप चाहते हैं सर हम हटाना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए। क्लियर फॉन्ट मीटिंग कीजिएगा तो फॉन्ट कलर तो चेंज हो जाएगा, मगर बैकग्राउंड चेंज कलर नहीं हटेगा। बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आके उसके नो कलर करना होगा। क्या करना होगा? नो कलर करना होगा तो आपका हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्लियर एकदम? तो ये जो है हम फॉन्ट पढ़ाए आज, क्या पढ़ाए? फॉन्ट। अब देखिए
हम ये जो टैक्स लिखे हुए हैं, इतना जो टैक्स है, देख रहे हैं ना, ये जो टैक्स लिखे हुए हैं, ये टैक्स में हम क्या करना चाहते हैं कि आप देखे होंगे कि नंबर देते हैं, कोई भी अगर आप लोग फ्रेंड होता है लिखता है कोई भी टैक्स, तो 1 2 3 4 करके देते हैं, और नहीं तो एक डॉट दे देते हैं, मार्क दे देते हैं, स्टार बना देते हैं, डॉट दे देते हैं, सर्कल दे देते हैं, देते हैं ना जी, उसको हम बुलेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुलेट्स। तो यहाँ पे जितने टैक्स है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आप बुलेट दे सकते हैं। देखिए बुलेट किस पे शो करेगा, जितनी पैराग्राफ चेंज होगी, तो यहाँ कितनी पैराग्राफ चेंज हुआ हुआ है, टोटल 6 पैराग्राफ चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बुलेट्स में बहुत सारे बुलेट्स होंगे, यहाँ से क्या होंगे, बहुत सारे बुलेट्स अपने अकॉर्डिंग आपको चेंज करके आप दे सकते हैं, ठीक है, आपको जो आवे सकता है, और नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नन मतलब हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग नंबर भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, अपने अनुसार नंबर आप दे सकते हैं, ABCD जो अभी का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दे सकते हैं, रोमन में भी दे सकते हैं, और नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, नन भी कर सकते हैं, नन का मतलब हटा सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या मल्टी लिस्ट भी दे सकते हैं। मल्टी लिस्ट का मतलब होता है कि आप जब क्वेश्चंस पेपर बनाएंगे ना, जब क्वेश्चंस पेपर बनाएंगे तो मल्टी लिस्ट होता है, क्या होता है, मल्टी लिस्ट, हेडिंग 1 सेक्शन 1 आर्टिकल 1 है ना, ऐसा क्वेश्चंस, ये आर्टिकल के जगह में क्वेश्चंस भी हो सकता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, चेंज ले सेक्शन भी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है ना, तो ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से मल्टी लिस्ट से, यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो टैक्स लिखा हुआ था, ये जो छोटा सा टैक्स है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड लेके जाना चाहते हैं, यानी कि राइट साइड, लेफ्ट से राइट साइड लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज इंडेंट, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इंडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर क्लिक कीजिएगा तो राइट की तरफ टैक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट की तरफ चले जाएगा, क्या कहेगा, लेफ्ट की तरफ चले जाएगा। ये जो है शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब देखिए क्या होता है कि अगर हम ए और बी लिखे, राइट, अगर हमको बी को ऊपर करना हो तो क्या करेंगे, हम डिसेंडिंग करेंगे, बी ऊपर चले गया, राइट, परे है ना, ऊपर ही और अवरोही क्रम है ना, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग मोड, परे होंगे अवरोही और आरोही क्रम परे हैं आप लोग, ये हमारा टैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मार्क, जब आपको लगता है कि सर हमको पता नहीं है कि हमारा पैराग्राफ कितना है, आप पैराग्राफ चेंज करने का आप मार्क देख सकते हैं, आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पैराग्राफ मार्क शो कर देगा, देखिए 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 इंटर मारा हुआ है, क्या मारा हुआ है, 9 इंटर मार के हम लोग इसको लिखे हुए हैं, राइट, और यहाँ पे क्लिक कीजिए तो पैराग्राफ हट जाएगा। अब देखिए ये रोहित कुमार को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो लेफ्ट है एलाइन, ये सेंटर जो पेज है इसको क्या कहते हैं हम लोग, पेज ही ना कहते हैं, पेज के क्या है इसमें, लेफ्ट साइड में है ना, और इसको सेंटर में करना चाहते हैं रोहित, तो पेज कैसे क्या हो गया, सेंटर में हो गया, ये राइट में कर दिए, फिर हम लेफ्ट में कर दिए, तो एलाइन लेफ्ट राइट एंड सेंटर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपका जो आवे सकता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए एक चीज है कि ये जो टैक्स है, देखिए लेफ्ट साइड में तो बराबर है मगर राइट साइड में बराबर है क्या, नहीं है, तो लेफ्ट एज साइड एंड राइट एज साइड को हम इक्वल करना चाहेंगे तो यहाँ से हमारा जस्टिफाई होता है, क्या होता है, ये जस्टिफाई, यानी कि दोनों साइड बराबर कर देगा, इक्वल कर देगा, मिल गया, देख लो आप लोग, तो दिक्कत हो रहा है क्या, इससे कोई तो दिक्कत नहीं ना, इफ यू एनी क्वेश्चंस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है हमारा। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज में, कि ये जो लाइन स्पेसिंग होता है बिटवीन वन लाइन एंड सेकेंड लाइन, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, गैपिंग होता है, वो हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग से यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे हम घटा सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा कि आप लोग एक बैकग्राउंड किए थे यहाँ से, ये जो बैकग्राउंड किए थे यहाँ से, तो जितना टेक्स्ट सेलेक्ट किए तो उतना ही ना बैकग्राउंड हुआ था, हाँ। अब यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं
यहाँ से बैकग्राउंड देखते हैं, क्या होता है, जहां जहां टेक्स वही ना बैकग्राउंड हुआ। मगर एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट कलर, क्या बोलते हैं हम लोग, हाईलाइट कलर। अगर वो कीजिएगा तो आपका जो ये टेक्स देख रहे ना, ये हाईलाइट जो किया हुआ है, ये टोटल आपका हो जाएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं शेडिंग कलर, शेडिंग का मतलब पीछे का। तो ये जो टेक्स्ट को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे शेडिंग में क्लिक कीजिएगा, तो जहां तक टेक्स्ट है वहां तक वो शेडिंग दे देगा, शेडिंग पीछे तक का है। अब वो जो बैकग्राउंड था वो सिर्फ जहां तक टेक्स्ट था वहीं तक लेता था, टेक्स्ट के अलावा नहीं लेता था। मगर यहाँ पे जहां तक टेक्स्ट होगा वहां तक, अगर टेक्स्ट नहीं भी है और आप इंटर मार दो तो भी वो ले लेगा, क्या कर लेगा, ले लेगा। आप इसको कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे जाकर नो शेडिंग नो कलर करके, राइट। और एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बॉर्डर करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको इतना टेक्स को बॉर्डर देना, तो यहाँ पे आके हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर कर दीजिए, तो वो बॉर्डर टेक्स हो जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ से बॉर्डर दे दिए। आप देखिए सर हमको इतना टेक्स का क्या करना है, सिर्फ नीचे का बॉर्डर देना है, तो यहाँ से नीचे का बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर दे दीजिएगा, है ना। तो ये टेक्स्ट बॉर्डर आप दे सकते हो यहाँ से क्लिक करके, यहाँ से हटाना है तो नो कलर करके हटा सकते हैं बॉर्डर, क्या करना है, नो बॉर्डर हटा सकते हैं बॉर्डर, देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर यहाँ से नो बॉर्डर, आ नहीं तो क्लियर फॉर्मेटिंग कीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है सारा चीज तो हट जाएगा, ठीक है। ये सारे क्लासेस आपकी छूटी हुई थी, ठीक है। इसके बाद हमारा फाइनल रिप्लेस हो ही गया आप लोग का, फाइनल रिप्लेस ये क्लास छूटी हुई थी। आप लोग का कुछ क्लास छूटा हुआ है और नहीं, यही तक छूटा हुआ था, तो ये तो हम बता दिए आप सभी को। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करें और कमेंट करना जरूर करें कमेंट, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि हमारी गलती क्या है और आप सीखना क्या चाहते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, खुश रहे आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा, आपका सांसद, जय हिंद जय भारत।